अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से है सब? तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोस में पिछले क्लासेस में देखे थे, जैम इंस्टॉलेशन उसमें किस तरह से काम करे थे, आई होप कि जो है ना आप लोग भी उसी में काम करें। और जो मैं टास्क के लिए बोला था, आप लोगों को टास्क और सेट भी नहीं करें आप लोग ग्रुप में, इस तरह 4 दिन तक तो भी आपको भी छुट्टी थी, मतलब 4 दिन तक तो जो है ना आपको टाइम मिला था कुछ करने के लिए। पर आप लोग जो भी करे हैं तो जो है ना आप बनाकर आज जो है ना भेज दीजिए। तो इंशाल्लाह आज जो है ना हम लोग टॉपिक लेंगे कि ब्लॉक किस तरह से क्रिएट करते हैं, एक फ्री ब्लॉक किस तरह से क्रिएट करते हैं, तो इसमें देखेंगे। और क्या है इसमें, किस तरह से पेजेस करते हैं, ब्लॉक क्या चीज है और ब्लॉक ब्लॉक से फायदे क्या है। तो ये होने के लिए आपको ब्लॉक एज ए आप दो तीन टाइप से बना सकते हैं, एक पर्सनल ब्लॉक बना सकते हैं, एक बिजनेस ब्लॉक बना सकते हैं। तो पर्सनल ब्लॉक यानी आप किसी चीज में एक्सपर्ट है, किसी चीज की सर्विस देते हैं आप, तो जो है इसमें ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं जिससे आप सर्विसेस को आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा सर्विस ये है कि बिजनेस पर्पस पे आप यूज कर रहे हैं, तो उसमें करो क्या है कि आप कुछ एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को जो है गूगल सर्च कंसोल में लाने के लिए, उसको जो क्रॉलिंग करने के लिए, तो ये ब्लॉग भी एक एज एक वेबसाइट ही है, समझ लीजिए ब्लॉग होता है, एक वेबसाइट के मानिंद है, लेकिन इसको ब्लॉग बोलते हैं जो भी इसमें पोस्ट कर रहे हैं डेली डेली जो डेली रूटीन के जो भी चीजें हैं, तो इस तरह से लोग ब्लॉग क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो ब्लॉग फ्री ब्लॉग किस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं वो देख लेंगे, क्योंकि वक्त भी थोड़ा ही ले लेता हूँ मैं आपका, क्योंकि फिर असर का भी है वक्त, तो मुझे कुछ वजह से जो है मैं ऑटो स्टेशन था तो इसलिए 5 बजे का टाइम दिया था, ठीक है। खैर तो थोड़ा एक 15 से 20 मिनट की क्लास में अपन कवर करने की कोशिश करेंगे, इसके असर का टाइम होगा, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह तो यहाँ पर देखिए, ब्लॉग क्रिएट करने से पहले ब्लॉग के बारे में थोड़ा सा समझिए। तो ये ब्लॉग्स क्रिएट करने से आप इससे फायदा उठा सकते हैं, एक गेस्ट पोस्टिंग का भी काम करता है। गेस्ट पोस्टिंग वो आने वाले दिनों में देखेंगे कि किस तरह से गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, इस तरह से किस तरह से ये गेस्ट पोस्ट क्रिएट करके जो है उसमें से किस तरह से अर्न कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या है सर्विस, इसमें क्या है, और एक आप गूगल एडसेंस से भी जो है, अगर आपके ब्लॉग पोस्ट पे 20 से 25 पोस्ट अगर चाहे, और आपके ब्लॉग पर जो है ना 1000 के ऊपर आपके ट्रैफिक आएंगे, तो वो गूगल एडसेंस क्या करता, आपको अप्रूवल देता कि वो गूगल एड का एड्स आप अपने ब्लॉग पर लगा सकते हैं, जिससे वहां पर भी आपको अर्निंग आना शुरू हो जाती है वो गूगल एड से, ठीक है। तो पहले हम क्रिएट करना देखेंगे, तो किस तरह से क्रिएट करते हैं और इस किस तरह से अकाउंट क्रिएट करते हैं और किस तरह से हम पोस्ट करते हैं। सो पेजेस ऐड करना लाइक सेम जिस तरह से हम जैम पे करे थे पेजेस, वो ऑफलाइन था, लेकिन ये चीज जो है ये ऑनलाइन है, ठीक है ना। तो ऑनलाइन में अब ये इसमें अच्छे से आपका डेली का डेली आप रूटीन आप पोस्टिंग ऐड करते जाएंगे तो क्या होता, वो आपका गूगल सर्च इंजन में आपको आ जाता हो, ठीक है। तो देखिए, तो पहला काम करना क्या है, आप इस तरह से आप अपना जीमेल अकाउंट से इस तरह गूगल क्रोम खोलिए, वो भी आपकी ईमेल आईडी है, वो ईमेल आईडी लॉग इन करने के बाद यहाँ पर डॉटेड देखिए जो यहाँ पर शो हो रहा, स्क्रीन शेयर हो रहा ना, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर मैं डॉटेड में क्लिक करा और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करा और यहाँ पर देखिए ब्लॉगर, ठीक है, जस्ट इसको क्लिक करना है,
जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको न्यू ब्लॉग यहाँ पर क्या करें आप, जब आप खोलेंगे फर्स्ट टाइम तो इस तरह से यहाँ पर तो पोस्ट है यहाँ पर नजर नहीं आता आपको, इस तरह से टाइटल का ऑप्शन बताता है, यहाँ पर टाइटल देना रहता, जो भी आपके निश है। पहले का काम करना क्या है, आप निश सेलेक्ट करना है, यानी ये एक मेरा बिजनेस है, मान लो कि मेरे मोबाइल शॉप है और मैं मोबाइल की जो भी सर्विसेस है सेल्स करता हूँ, मैं उसको सर्विस देता हूँ, ठीक है, उसका जो भी करना है मैं इसमें ये ब्लॉग में मैं वो चीजें ऐड करूंगा, मानी यानी मेरा एक कीवर्ड रहेगा, वो कीवर्ड को जो है ना मैं रैंक करना है और वही कीवर्ड से जो है ना मैं ब्लॉग क्रिएट करना, ठीक है, वही टाइटल डालना है आप, ठीक है, जो भी निश सेलेक्ट कर लेना, पहला काम क्या करना है, अब निश सेलेक्ट करना है, इसके बाद इस पे काम करना है, ठीक है, और निश के हिसाब से आप कंटेंट उठाना है, इमेजेस उठाना है, इस तरह से वीडियो से जो भी है पेजेस इस तरह से क्रिएट करना है और पोस्ट कर देना है, इस तरह से आप 20 से 25 पोस्ट करना रहता, और पोस्ट किस तरह से करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। पहले क्या करना है, आप यहाँ पर आप टाइटल डालना है जो भी आपका ब्लॉग का नेम है, ठीक है, मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ डिजिटल और मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पर एड्रेस जो आएगा यहाँ पर देखेंगे तो जब इसका जो डोमेन आएगा ये blogspot.com बोल के आता है यहाँ पर, ठीक है, आप जो भी आप यहाँ पर आप डोमेन डालेंगे, मान लो कि मैं डिजिटल गुरु 1 2, अगर यहाँ पर एलिजिबल है तो यहाँ पर दिखा देता आपको कि यहाँ पर ये एलिजिबल है, ठीक है, डिजिटल MAR, देखिए यहाँ पर मैं डिजिटल मार्केटिंग SER .blogspot.com, ठीक है, ये मेरा एड्रेस है, ठीक है, और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सेव करा, तो इस तरह से डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का खुल गया है पर, ठीक है, इस तरह से इसमें कुछ भी पोस्टेड नहीं है, देखिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी पोस्ट नहीं है, और इसमें पेजेस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी पेजेस कुछ भी नहीं है, तो न्यू पेज यानी यहाँ पर आप पेज ऐड करना रहता, ठीक है, यहाँ पर पेज का नाम डालेंगे होम, और मैं यहां से करूंगा पब्लिश कंफर्म, ठीक है, ये देखिए हमारा एक पेज क्रिएट होगा, उसी तरह होम के बाद आया स्टूडियो देखना है, आप देख सकते हैं इस तरह से बना, इस तरह से होम पेज बनाया, ठीक है, इसी तरह पेज यहाँ पर टाइप करेंगे और यहां से क्या करेंगे पब्लिश, कुछ टेक्स्ट हो या डालना है तो आप यहाँ पर टेक्स्ट डाल सकते हैं, ठीक है, इसी तरह हो अबाउट,
और यहाँ पर सर्विसेज का मैं यहाँ पर कंफर्म करूँगा, और इसी तरह जो है होम अबाउट सर्विसेज, यहाँ पर डाला मैं कॉन्टेक्ट अस, कंफर्म। ये इस तरह से जो है आप होम अबाउट सर्विसेज कॉन्टेक्ट का इस तरह से पेजेस बनाए, ठीक है। इसमें अंदर पेजेस में कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो यहाँ से आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप इस तरह से यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, इमेजेस ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऐड कर सकते हैं, यूट्यूब के लिंक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे मैं मान लो कि मैं यहाँ से होम के पेज में आकर क्या करा मैं, यहाँ से मैं एक डमी कंटेंट या कॉपी करा और यहाँ पर आकर पेस्ट करा, ठीक है। ये साइज मुझे बड़ा करना है, आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा करना है छोटा कर, ठीक है। बड़ा करना चाह रहे हैं तो बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। हेडिंग लेना चाह रहे हैं तो भी हेडिंग पे भी आया था, ठीक है। यहाँ पर बोल्ड ले लिया, बोल्ड लेना है, बोल्ड ले लीजिए, इटैलिक करना है यानी क्रॉस आता है, जब इसको भी इस तरह से क्लिक करेंगे तो क्रॉस आता है। इसको कुछ अंडरलाइन होना है, मान लो के इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अंडरलाइन करा, तो यहाँ पर देखिए आपको अंडरलाइन आ जा रही, ठीक है। इसको मैं हेडिंग देना चाह रहा हूँ तो आपको इसको हेडिंग दे दी, ठीक है। इसी तरह इसका कलर दे सकते हैं, इसको अलाइनमेंट दे सकते हैं आप, उसे अलाइनमेंट में होना है, ठीक है ना। यहाँ से टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है, कंट्रोल जेड। तो यहाँ पर आप किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंट्रल अलाइनमेंट, सेंट्रल अलाइनमेंट देना चाह रहे हैं तो इस तरह से वो कर सकते हैं आप, ठीक है। राइट टू लेफ्ट टू इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बुलेट नंबरिंग्स वगैरह ऐड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ से ऐड कर, मान लो कि मुझे यहाँ पर इमेज ऐड करना है और यहाँ पर क्लिक कर कर आप अपलोड कंप्यूटर्स को जाएंगे और यहाँ से आप अपलोड करिए इमेज, इसको जस्ट सेलेक्ट फाइल लिया और मैं यहाँ से एक इमेज कॉपी कर रहा हूँ, इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ ये इमेज को, और सेलेक्ट करूँगा सॉरी, और इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो इस तरह से कर कर आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, और मैं यहाँ पर बाहर क्लिक करूंगा और एंटर करूंगा और मैं यहाँ पर कुछ मजीद टेक्स्ट ऐड करूंगा, ठीक कंट्रोल सी, और कंट्रोल वी, ठीक है। इस तरह से टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इंटर करूंगा और यहाँ पर मैं कुछ वीडियो अपलोड करना है, यहाँ से यहाँ
यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ से भी यूट्यूब का वीडियो के लिंक कॉपी कर सकते हैं। मान लो के तरह से यहाँ से आप मान लो कि मैं ये वीडियो को जो है इस तरह से मैं ये इसकी यूआरएल कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी करके कॉपी करा हूं। और मैं यहाँ पर आकर सर्च में क्लिक करा और मैं यहाँ पर कंट्रोल डी करूँगा तो एग्जैक्ट जो है वो जो हम सेलेक्ट करे थे वही चीज आ जाती, क्योंकि हम यूआरएल कॉपी करें। अगर इसमें कुछ भी मिस्टेक करेंगे, कुछ छूट गया तो वो चीज नहीं आती। यहाँ पर इसको क्लिक करना है और सेलेक्ट करना है फाइल, और यहाँ पर देखेंगे तो ये वीडियो आ चुकी है, ठीक है ना। कंट्रोल जेड, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसका यहाँ से आप अपडेट कर, तो अपडेट कर लीजिए वीडियो देखिए। इस तरह से यहाँ पर आपको जो भी आप मॉडिफिकेशन करे थे आपके पेज में हुए यहाँ पर आपको नजर आता, जो जो चीजें करें यहाँ पर आप कर सकते, ठीक है। इस तरह से आप करना रहता। यहाँ पर व्यू ब्लॉक करें और देखिए आपके ब्लॉग क्या है, ठीक है। ये देखिए हम लोग टाइटल डाले थे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आने का पोस्ट रहता सेम, इसी तरह का पोस्ट रहता। पेजेस अलग चीज है, पोस्ट अलग चीज है, ठीक है। यहाँ पर न्यू पोस्ट करें, सेम उसी तरह यहाँ पर भी टाइटल डालिए, पोस्ट का नाम डाल दीजिए, क्या नेम का है पोस्ट वो पोस्ट का नेम यहाँ पर डाल दीजिए, और वहाँ पर कुछ आपका आर्टिकल है या कुछ कंटेंट है तो यहाँ पर आप पोस्ट को यहाँ पर टेक्स्ट डाल दीजिए, ठीक है। इमेजेस है,
इसी तरह जो है आप पेजेस भी सीधे और इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो है तो जो है ना वीडियो आप वीडियो डाल, ठीक है, या डायरेक्ट आप भी यूट्यूब से भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से 20 से 25 पोस्ट अगर चाहे उसमें हो गए तो इंशाल्लाह आपको जो है और 1000 मेंबर से आपका व्यूज ज्यादा हो गया तो जो है ना आपको गूगल एडसेंस के लिए आप उसमें डाल सकते हैं, और वहां से अप्रूवल मिलने के बाद आप उसका लिंक, उसका जो कोड रहता वो कोड इसमें डालना रहता, वो जब वो आएगा ना जब वो कर सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, यहाँ से पब्लिश कर लीजिए और कंफर्म कर, ठीक है, इस तरह से आप